हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका युगराज एजुकेशन हब में। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के बारे में कि जिन भी कैंडिडेट्स ने 12th पास की है या जो अभी ग्रेजुएशन में हैं तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एजुकेशन सेक्टर की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। मोस्टली ये राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास 60% के साथ पास की है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसके लिए देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो मोस्टली आपको इसमें 5 से 6 हज़ार तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जो भी ग्रेजुएशन में है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, जो फर्स्ट ईयर में थे, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, वो अब इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके लिए रेगुलर रहना चाहिए, आपने 12th पास की फर्स्ट ईयर में फिर एक फॉर्म फिलअप कर दिया, मतलब रेगुलर है तभी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साल आपके बीच में फर्स्ट ईयर में 60% से कम आ गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और फुल इन्फॉर्मेशन जानिए, और अपने ई मित्र शॉप से जाकर इस फॉर्म को फिलअप करवाइए। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।